नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार में लोकसभा चुनाव अब काफी नजदीक आ गया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनाव के लिए तैयारियों में लग गई हैं। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी को 370 का लक्ष्य भी दे दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह होगी कि मोदी के द्वारा दिए गए 370 के आंकड़ों पर प्रशांत किशोर ने काफी तंज कसा है। उन्होंने साफ किया है, प्रशांत किशोर ने हाल ही में नवभारत टाइम्स और तमाम चैनलों में इंटरव्यू के माध्यम से कहा है कि मोदी जो 370 के आंकड़ों की बात कर रहे हैं यह अब थोड़ा मुश्किल है। अगर ऐसा होता है तो वाकई खुशी की बात होगी, लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रशांत किशोर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी कैंपेन किए थे और यहां से उनके चुनावी सलाहकार का जो करियर था उसकी शुरुआत हुई। तो आपको बता दें कि धर्म स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जो है उन्हें इलेक्शन मैन भी कहा जाता है। अभी तक जिन पार्टियों को लेकर वह चुनावी समय में सलाह दिए हैं और जिन के लिए वो रणनीतिकार का काम किए हैं वो हर हाल में चुनाव जीते हैं, और ऐसे में अब प्रशांत किशोर का यह बयान जो है वो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही है। बीजेपी सोचने पर मजबूर हो गई है कि आखिर 370 का जो आंकड़ा है उस पर प्रशांत किशोर ने ऐसा तंज क्यों कसा है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 5 साल तक कोई पार्टी जमकर तैयारी कर देती है तो मोदी सरकार को हरा सकती है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों की भी याद दिलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, यानी कि पूरे देश में जब कांग्रेस की तोती बुला करती थी, वह 4000 से 4500 विधानसभा में 2500 से 2700 विधायक हुआ करते थे कांग्रेस के, और अभी महज 1500 से 1700 बीजेपी के विधायक हैं। तब भी कहा जाता है कि मोदी जैसा शासन काल करने वाला जो सरकार है वो ना तो कभी आया है और ना ही कभी आगे होगा। तो ऐसे में अब ये बड़ी बात नहीं होगी कि अगर कोई भी नेता 5 साल तक जमकर तैयारी कर देता है क्षेत्र में तो वो मोदी सरकार को आसानी से हरा सकता है। ये प्रशांत किशोर का तंज जो है वो बीजेपी पर है। और आपको बता दें कि प्रशांत किशोर कभी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी कैंपेन किया करते थे। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीतिकार के तौर पे कार्य किया और प्रधानमंत्री ने भारी बहुमत से जीत भी हासिल किया। इसके बाद आपको बता दें कि अब प्रशांत किशोर जो है पिछले 1 साल से जन स्वराज यात्रा पे है और यह अब वो पूरे देश में खुद चुनाव लड़ने की तैयारियों में लगे हुए हैं। साथ ही वो जनता को जागरूक भी करने का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसे अपडेट के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।